हर चीज संभव है किशोरी जी की कृपा से, असंभव को संभव कर दे किशोरी जी। पूछा तुझे प्रसाद तो मिला, लेकिन एक बात तो बता, हमने तो तुझे 3 दिन तक केवल यहाँ रोते हुए देखा, उसके बाद इतने वर्षों तक नहीं देखा। और तू कहता है कि मैं श्री जी की सेवा में ही रहता हूँ, आखिर श्री जी की कृपा तुझे कैसे प्राप्त हुई? तब गुलाब खान ने कहा, गोसाई जी उस करुणामयी सरकार की कृपा तो देखो, वो हम जैसे जीवों के झूठे रोने पे भी रीझ जाती है। हम जैसे जीवों के झूठे रोने पे, झूठे रुदन पे भी कृपा बरसा देती हैं। मैं तो महल की सीढ़ियों पे 3 दिन तक अपनी बेटी राधा को याद करते रोता रहा, राधा 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 राधा। लेकिन मेरी बेटी राधा नहीं आई गोसाई, मेरी बेटी राधा मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। और तीसरी रात जब मैं महल की सीढ़ियों पर रो रहा था, रुदन कर रहा था, उसी क्षण महल का कपाट खुलता है और एक छोटी सी बालिका आके मुझसे बोलती है, बाबा 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 आज तू सारंगी नहीं बजाएगा, आज मेरा नृत्य करने को मन करता है, आज मेरा नाचने को मन करता है, क्या तू आज सारंगी नहीं बजाएगा? और मैं देखता क्या हूँ, मेरे हाथ में सारंगी है, मैं सारंगी बजाने लगा और एक बालिका नृत्य करने लगी, नृत्य करने लगी। लेकिन उसके नृत्य में और मेरी राधा के नृत्य में बहुत आकर्षण था। वो जैसे जैसे नृत्य करती गई वैसे वैसे मैं आकर्षित होता गया। और फिर वो राधा नृत्य करते 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 महल की सीढ़ियां एक एक पार करती हुई महल के अंदर प्रवेश कर गई। और गोसाई जी मैं आपको सच बताऊं, मैं भी उस बालिका के पीछे महल में प्रवेश कर गया। और महल में प्रवेश करने के बाद देखता क्या हूँ, रत्न सिंहासन पे युगल सरकार बैठे हैं और श्री जी ने वहां पकड़ के मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया, मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया, मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया। इतनी करुणामयी सरकार है। मैं तो अपनी बेटी को याद करके रो रहा था, लेकिन मेरी बेटी राधा नहीं आई, लेकिन बरसाने वाली राधा जरूर आई मुझे सहारा देने के लिए, मुझे आसरा देने के लिए। आप कहते हो ना कि हमने तुम्हें 3 दिन के बाद देखा ही नहीं, तीसरी रात मेरी किशोरी करुणामयी सरकार ने कृपा की, वो छोटी सी बालिका बन के आई और केवल एक शब्द कहा, बाबा तो जिस राधा के लिए रोता है वो तो झूठी राधा है, वो आज नहीं तो कल तुझे छोड़ के जाती ही जाती। अगर तुझे राधा के लिए ही रोना है, अगर तुझे राधा के साथ ही रहना है, तो आज मैं तुझे तेरी सच्ची राधा से मिलाती हूँ जो जन्म जन्मांतर तक तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरी किशोर जी करुणामयी सरकार कृपा करके आगे आगे चलती चली गई, मैं पीछे पीछे चलता चला गया। श्री जी ने हाथ पकड़ के मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दिलाया। तब से मैं श्री जी की निकुंज की सेवा में रहता हूँ, वहीं सारंगी बजाता हूँ, वहीं प्रिया जी को रिझाता हूँ। और आज भी हमारे बरसाने में गुलाब खान को कोई गुलाब खान के नाम से नहीं जानता है, आज भी हमारे बरसाने में गुलाब खान को गुलाब सखी के नाम से जाना जाता है, जय गुलाब सखी के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो, वृंदावन की वो परम विभूति, वो भजन निष्ठ नित्य गोलोकवासी श्री हरि बाबा महाराज, बहुत पुरानी बात हो गई है, 50 वर्ष से भी पुरानी बात। हरि बाबा के जो गुरुजी थे उनके मन में एक बार जिज्ञासा जगी कि मैं भी एक बार निधवन सेवा कुंज में महाराज का दर्शन करूं, महाराज का दर्शन करूं। और आप सब जानते हैं कि निधवन और सेवा कुंज में रात्रि को कोई रुकता नहीं है, यहाँ तक कि मोर बंदर भी सब बाहर हो जाते। लेकिन बाबा ने हिम्मत करके निधवन में रात बिताई, सेवा कुंज में रात बिताई। बाबा ने ये भाव रखा कि मैं रात को देखना चाहता हूँ आखिर क्या होता है सेवा कुंज में रात को, निधवन में रात को। कहते हैं पहली रात पूरी रात मैं बैठा रहा, मुझे कुछ नहीं दिखा। दूसरी रात मैंने फिर हिम्मत की, दूसरी रात भी मुझे कुछ नहीं दिखा। तीसरी रात मैं सेवा कुंज में फिर कूद गया, चाहे प्राण निकल जाएं लेकिन आज तो लीला देख के ही रहूंगा। कहते हैं तीसरी रात मध्य रात्रि होने को आई, मुझे कुछ डर लगने लगा, मैंने आंख बंद करके बैठ गया। आंख बंद करने के बाद मेरे कानों में कुछ आवाज आई, वही सुंदर नूपुर की आवाज आने लगी। मैं सावधान हो गया कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है।
सुंदर नुपुर की ध्वनि सेवा कुंज में आने लगी। मैं सावधान होके बैठ गया और मैंने देखा कि और कोई नहीं, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण और नीलाम्बरधारी श्री राधिका सेवा कुंज की उन लताओं में विहार करते करते आ रही हैं, विहार करते करते आ रही हैं। मैं उस अद्भुत कांति को देख के स्तब्ध रह गया, आकर्षित हो गया, बिल्कुल जड़ होके बैठ गया, सावधान होके बैठ गया और मैं ये कल्पना करने लगा कि अब आगे होगा क्या, अब आगे होगा क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी गीता प्रेस गोरखपुर के बाबा के हाथ की लिखी हुई वो डायरी लिखी हुई है, जिसमें ये प्रमाण है, जिसमें ये कथा बाबा ने स्वयं अपने हाथों से लिखी। मैं ध्यान से स्तब्ध होके बैठा रह गया, सावधान होके बैठा रह गया और मैंने प्रिया प्रीतम को जब देखा तो मैं ये सोचने लगा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और मैंने देखा कि आज राधा रानी सेवा कुंज की लताओं को सूंघ सूंघ कर देख रही हैं, कभी इस लता को सूंघती 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 हैं। लाल जी ने पूछा, श्याम सुंदर ने पूछा, किशोरी जी क्या बात है, आज आप सेवा कुंज के निधवन की लताओं को ऐसे बार बार क्यों सूंघ रही हो, कभी इस लता को सूंघती हो, कभी इस लता को सूंघती हो, कभी इस लता को सूंघती हो, कारण क्या है। तब प्रिया जी ने कहा, श्याम सुंदर आज हमें इस निकुंज वन में किसी मानव की गंध आ रही है। क्या कहा, श्याम सुंदर आज हमें इस निकुंज वन में किसी मानव की गंध आ रही है। श्याम सुंदर की आंखों से आंसू छलक पड़े, कहा प्रिया जी क्या कहती हो, किसी मानव की गंध आ रही है। हाँ श्याम सुंदर हमें इस निकुंज वन में किसी मानव की गंध आ रही है। श्याम सुंदर रोते हुए बोले, प्रियाजू क्या आश्चर्य की बात कह रही हो, अरे जिस मानव की गंध आपके श्री अंग में समा गई हो वो मानव रहा कहाँ, वो तो आपकी सखी सहचरी को प्राप्त हो चुका है, वो तो आपके सखी भाव को प्राप्त हो चुका है, कहाँ मानव की गंध आ रही है, कहाँ मानव की गंध आ रही है। उसके बाद बाबा ने लिखा, इसके बाद जो लीला हुई ना वो लिखने का विषय था और ना कलम का विषय था, ना लिखने का विषय था ना कलम का विषय था। जिस पर किशोरी जी कृपा कर दे, जिस पर राधा रानी कृपा कर दे, उस जीव को श्री जी सखी भाव में प्रवेश करा देती हैं, सहचरी भाव में प्रवेश करा देती है। आओ किशोरी जी से प्रार्थना करें, विनती करें कि ये कृपा सदा सर्वदा हमारे जीवन पर बनी रहे। आज इस भक्तमाल यात्रा को तो हम यहाँ अभी हमारे आरंभ में अजय जी कह रहे थे आज अंतिम दिन है, लेकिन मैं कहूँगा ये अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये दिन तो बार बार आए आपके जीवन में। आपके जीवन में अमरोहा के प्रेमियों, आपके जीवन में मात्र 3 या 5 दिन का उत्सव ना हो, आपका जीवन ही एक उत्सव बन जाए, ऐसी कामना मैं श्री जी के चरणों में करता हूँ, श्री जी के चरणों में। आज हम केवल विराम दे रहे हैं, ये अंतिम नहीं हो सकती, क्यों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज विश्राम है, फिर ठाकुर कृपा करेंगे पुनः इस रस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे श्री जी की कृपा से, युगल सरकार की कृपा से। लेकिन आओ ये कृपा हमारे जीवन में ऐसी बनी रहे, इसलिए विनती करें। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा 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 सभी। राधा राधा राधा
श्री राधा हो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखना। झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, तुमको पुकारा ब्रिजरानी, तुमको पुकारा ब्रिजरानी, ये जग से बचाए रखना, यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। दोनों हाथ उठा के गाएं, राधा 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 श्री राधा 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 Shri Radha Rani.
सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा, लागी 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 राधा श्री राधा, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, पुकारे राधा 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 श्री राधा 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 डोलू ब्रज गलियन में है, डोलू ब्रज गलियन में, डोलू ब्रज गलियन में राधा रानी, डोलू ब्रज गलियन में तेरे नाम के रंग में रंग के, डोलू ब्रज गलियन में है, डोलू ब्रज गलियन में, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कहे चित्र विचित्र राधा रानी, कहे चित्र विचित्र राधा रानी, वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है राधा रानी कृपा बरसाए रखना।
दोनों हाथ उठा के गाएं राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी हे राधा रानी हे महारानी हे राधा रानी हे महारानी हे राधा रानी ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना कृपा हे राधा रानी और ऊंचे स्वर में बोले हे राधा रानी हे महारानी हे राधा रानी ओ कृपा 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 बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना एक बार प्रेम से बोलें श्री राधे राधे श्री राधे